हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई उम्मीद, नई अपडेट्स के साथ आपको आपके सामने। तो योगी सरकार का नया सिफूगा क्या है? गार्गी योजना, योगी सरकार ने अब गार्गी योजना शुरू करने जा रही हैं। ये वीडियो केवल लड़कियों के लिए है, लड़के इस वीडियो से दूर रहें। ग्रेजुएट महिलाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ, ग्रेजुएट महिलाओं के लिए खुशी से पागल कर देने वाली खबर आ रही है। आप सभी खुशी से झूम उठिए, मस्ती से झूम उठिए और पार्टी करना अभी से शुरू कर दीजिए। जी हाँ, सभी लड़कियाँ जो कि ग्रेजुएट हैं, एकदम पार्टी दीजिए और पार्टी में हमको बुलाना मत भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं क्या है अपडेट्स सभी ग्रेजुएट लड़कियों के लिए। अब सभी ग्रेजुएट महिलाओं को शिक्षक बनाएगी योगी सरकार। जी हाँ, जितने भी ग्रेजुएट महिलाएं हैं अब उनको शिक्षक बनाने की तैयारी में है। तो चलिए देखते हैं क्या है पूरी अपडेट। खुशी से पागल कर देगी महिलाओं को ये खबर, तो खुशी से पागल मत होइएगा, नहीं तो शिक्षक कौन बनेगा फिर? जो सरकार किसको बनाएगी अगर सब लोग पागल हो जाएंगे? तो आपको पागल नहीं होना है, धैर्य रखना है, आपको बहुत जल्दी शिक्षक योगी सरकार बनाएगी। चलिए देखते हैं पूरी अपडेट्स क्या है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, इसी तरह के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, बेसिक विद्यालयों में गार्गी शिक्षा योजना लागू किए जाने की तैयारी। बेरोजगार ग्रेजुएट महिलाओं को मिलेगी स्थायी नियुक्ति। भविष्य में प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती पर भी विराम की आशंका। जी हाँ, मुजफ्फरनगर में हम आपको लास्ट में जो डीएम का आदेश है उसको भी हम दिखाएंगे। चलिए उससे पहले हम देख लेते हैं कि क्या है पूरी खबर। मुजफ्फरनगर प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शीघ्र ही गार्गी योजना, गार्गी शिक्षा योजना लागू हो रही है, जिसके तहत एकल अध्यापक या फिर शिक्षक विहीन चल रहे सरकारी स्कूलों में स्नातक तक की योग्यता रखने वाली गांव की महिलाओं को अस्थायी तौर पर नियुक्त किया जाएगा, जिसके बदले उन्हें वेतन दिए जाने की भी कार्ययोजना है। पूरे प्रदेश में यह योजना लागू होनी है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के ललितपुर जनपद में इस योजना को मास्टर प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया है। वहाँ के BSA मनोज कुमार वर्मा ने सभी खंड के शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में पत्र लिखकर गार्गी शिक्षा योजना के तहत स्नातक तक योग्यता रखने वाली तीन तीन महिलाओं के नाम प्रति विद्यालय प्रबंध समिति अथवा वार्ड शिक्षा समिति के माध्यम से कार्यालय में जमा कराए जाने के लिए कहा गया है। यह पत्र सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें जिला शिक्षा बेसिक शिक्षा अधिकारी ललितपुर की ओर से यह कहा गया है कि ये महिलाएं स्नातक की शिक्षा के साथ साथ उसी गांव या वार्ड की मूल निवासी होना जरूरी है। यह नियुक्तियां एकल विद्यालय लेकर यह नियुक्तियां एकल विद्यालय या फिर अध्यापक विहीन विद्यालयों में ही की जाएगी। बेसिक टीचर्स इस योजना को लेकर सरकार से नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। शिक्षकों के ग्रुप पर शिक्षक लिख रहे हैं, सरकार ने बेसिक विद्यालयों के लिए नया फार्मूला निकाला है। गार्गी योजना के तहत स्नातक तक पढ़ रही महिलाओं को प्रबंध समिति के प्रस्ताव पर अस्थायी नियुक्ति करके पढ़वाने की व्यवस्था इसलिए की जा रही है ताकि शिक्षकों के रिक्त पड़े पदों की जरूरत ना पड़े, पर शिक्षकों की जरूरत ना पड़े, संविदा शिक्षकों से काम चलता रहे। तो ये ग्रामीण महिलाओं के लिए, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अब वो खुशी से झूम उठ सकती हैं, पार्टी कर सकती हैं, क्योंकि उनके लिए अब सिर्फ ग्रेजुएट ही शिक्षक बनने का अवसर दे रहा है। अब उन्हें ना बीएड नहीं करने की जरूरत है, ना ही BTC करके अपना समय और पैसा दोनों बर्बाद करने की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं ललितपुर का जो वायरल पत्र हो रहा है उसमें क्या है, क्या अपडेट्स है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ललितपुर सर्वोच्च वरीयता, यहाँ पे 2019-20। तो आप देख सकते हैं ये आपकी नोटिस है 22/7/19 की है। यहाँ पे आप देख सकते हैं विषय शिक्षक गार्गी योजना के अंतर्गत प्रसदी माध्यमिक एवं उच्च प्राथमिक के एकल एवं
बंद विद्यालयों में शिक्षक कार्य के संबंध में उपयुक्त विषय जिलाधिकारी ललितपुर के निर्देशानुसार प्रसदी माध्यमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में जो वर्तमान में एकल अध्यापकी एवं अध्यापक विहीन चल रहे विद्यालयों में ऐसे विद्यालयों में शिक्षक व्यवस्था को दृष्टिकोण रखते हुए अस्थायी व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षक कार्य हेतु गार्गी शिक्षा योजना के अंतर्गत स्नातक तक योग्यता रखने वाली 3 महिलाओं का नाम विद्यालय प्रबंध समिति बोर्ड शिक्षा समिति के माध्यम से प्रस्ताव पारित कर अधोहस्ताक्षित कार्यालय में जमा किया जाना है। उक्त व्यवस्था के अंतर्गत प्रस्तावित की जाने वाली महिलाएं स्नातक शिक्षा के साथ साथ संबंधित विद्यालय के ग्राम पंचायत वार्ड की मूल निवासी होना अनिवार्य है। आप द्वारा विकास खंड प्राप्त कार्रवाई गई है। एकल अध्यापकी एवं अध्यापक विहीन विद्यालयों की सूचना के आधार पर आपको निर्देशित किया जाता है कि संलग्न सूचनी के अनुसार ग्राम वार्ड से 3 महिलाओं के नाम प्रस्ताव, जिसमें महिला का नाम, पिता पति का नाम, आयु, जाति, शैक्षिक योग्यता, ग्राम निवास, विकलांगता आदि का उल्लेख हो। कार्यालय में 3 दिवस के अंदर हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी को प्राप्त करना सुनिश्चित करें। तो यहाँ पे देख सकते हैं मनोज कुमार वर्मा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ललितपुर जिलाधिकारी महोदय को प्रतिलिपि इसमें की गई है, सम्मिलित की गई, लगाई गई है। तो आप देख सकते हैं गार्गी योजना के तहत अब ग्रामीण महिलाओं को रोजगार की आवश्यकता, उसके लिए भटकना नहीं पड़ेगा। अब उनको पास ही के स्कूल में शिक्षण संस्थान शिक्षण का कार्य दिया जाएगा। अब वो शिक्षण कार्य करके अपनी जीविका को अच्छे से चला सकती हैं तथा उनको अब बीएड करने शिक्षक बनने के लिए बीएड तथा बीटीसी करने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। तो ये एक बहुत अच्छी खुशखबरी है आप सभी महिलाओं के लिए। आप सभी को बधाइयाँ जी। तो इसको एंजॉय करिए और जल्दी से जल्द अपने ज़िले में भी देखिए कि कब आ रहा है, और जल्दी से जल्दी शिक्षक बनकर हमको मिठाई भेजने का कष्ट करें। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई उम्मीद, एक नई किरण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।